अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। वो डॉक्टर मलिका के साथ गले मिल रहे हो या उनके साथ कबड्डी खेल रहे हो, तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? वही तो मैं सोच रही हूँ कि उनके बीच में जो भी रिश्ता हो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों सोच रही हूँ? मगर यू नो ऑनेस्टली मुझे नहीं अच्छा लगा, इसलिए उनकी दी हुई इयररिंग्स में डस्टबिन पे फेंकने जा रही थी। उन्होंने तेरी ही इयररिंग्स तुझे वापस की, तो उन्हें डॉक्टर मलिका तो क्या, किसी भी और को गले लगाने का पूरा हक था, हाँ कि नहीं? था। तो फिर तेरे परेशान होने की कोई वजह ही नहीं बनती। You're right. मैं खामखा ही परेशान हो रही हूँ, बेकार में। बिल्कुल। ती बेवकूफ हूँ मैं। चलो अच्छा है, देर से ही सही। मुझे पता तो चला कि तू कितनी बेवकूफ है। But thanks to you, मेरा माइंड क्लियर हो गया, मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई लव यू अंजी। मैंने तेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व की, हाँ। अब तुझे मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्या? पापा, मैं कब तक उनके पीठ पीछे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करती रहूंगी? चल डन डन। बाबा स्क्रिप्ट तो याद है ना? याद है बाबा, अच्छी तरह से याद है। मुझे सोलंकी को बिलियर्ड्स मैच में हराना है, हाँ। तू मेरा साथ देगी, अंजी अपने पापा की साइड लेगी। Obviously. और तू ये शर्त रखेगी, अगर मैं सोलंकी को बिलियर्ड मैच में हरा दूं, which I'm sure I will, तो उसे अंजी की बात माननी होगी और अंजी को फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने की इजाजत देनी होगी। करेक्ट, पर ये सब कुछ तभी होगा जब आप अंकल को हराएंगे। विधि, मैंने फौज में बहुत बिलियर्ड्स खेली है बेटा। बट बाबा आपको फौज छोड़े हुए 10 साल हो गए, उसके बाद कहाँ खेली आपने बिलियर्ड्स? बेटा बिलियर्ड एक ऐसी स्पोर्ट है, आदमी अगर एक बार सीख लेना तो कभी नहीं भूलता। Let's just hope so. What do you mean hope so? I mean I trust you. पापा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप निधि के बाबा से बेटर प्लेयर हैं। वो तो मैं हूँ ही। I know पापा, लेकिन आप आउट ऑफ प्रैक्टिस है ना? एक्चुअली ना सारी गलती मेरी है, मैंने ना निधि के सामने आपके गेम की ये लंबी लंबी तारीफें कर दी तो बेचारी जल गई। आपको याद है स्कूल कॉलेज में भी मेरे किसी भी सब्जेक्ट में उससे 2 नंबर भी ज्यादा आ जाते थे तो कितनी जल जाती थी। I know. तुम चिंता मत करो, आज मैं वर्मा को हरा कर ही रहूंगा। We'll do it. Yes. जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं हारा, तो ये छोटा सा मैच क्या चीज है? तुझे तो मैं यूं हरा दूंगा। लगता है जंग लंबी चलेगी, इसीलिए मैंने राशन पानी का इंतजाम कर दिया है। निधि बेटा, तू तो डॉक्टर है, तू जरा देखना कि तेरे अंकल किसी फ्राइड चीज को हाथ ना लगाएं, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। Don't worry, auntie. This is not fair. Uncle, fried food को देखने से भी ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा तो मैं चली। अब वैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे बुला लेना। ओके? क्यों ना इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए।
What do you mean by interesting? मतलब कि कोई शर्त रख सकते हैं? मैं शर्त के लिए नहीं खेलता। कहीं आप डर तो नहीं गए कि आप हार जाएगी? अरे जा जा, मेरे पापा किसी से नहीं डरते। लगा ले जो शर्त लगानी है। लगा ले जो शर्त लगानी है। बाबा आप तो तैयार ही हैं? ऑफ कोर्स, शर्त शर्त ऐसी होनी चाहिए जो जीतने में मजा आए। तो शर्त ये है कि हारने वाले को जीतने वाले की कोई भी बात माननी पड़ेगी। okay. कोई भी बात। सर मुझे चिल्ड्रन वार्ड से हटाकर कहीं भी लगा दीजिए, मुझे नर्स की ड्यूटी भी चलेगी, पर सर प्लीज मुझे चिल्ड्रन वार्ड में मत भेजिए। प्रियंका, बच्चों के मजाक को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, मैं बच्चों को समझा दूंगा कि वो आपको तंग नहीं करें। सर समझा के तो डॉक्टर निधि भी गई थी, पर उन्होंने जब डॉक्टर निधि की बात नहीं मानी तो आपकी बात कैसे? मेरा ख्याल है कि बच्चों का इलाज करने के लिए उनसे दोस्ती करना बहुत जरूरी है, तभी तो उनके मन से दवाइयों और इंजेक्शंस का डर खत्म हो जाता है। सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था। सर बहुत जल्द मेरी शादी है। Well, this is a surprise. Congratulations. Thank you, sir. सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। सर मैं ऑलरेडी प्रेशर में हूँ सर, मैं और प्रेशर नहीं ले सकती हूँ। आई मीन चिल्ड्रन सॉर्ट का प्रेशर सर। ओके थैंक यू सर। डॉक्टर साहब हम अंदर आ सकते हैं? अरनाम आइए 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 प्लीज बैठिए ना बैठिए। जी बस ठीक है जी। अरे प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब आप तो हमारे लिए भगवान हैं। एक बार मेरी बच्ची को आप आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत प्यारी है। नाम सोचा अपने बच्चे के लिए? सोचना क्या है डॉक्टर साहब, इसका नाम तो हमने रख भी दिया है। अच्छा निधि। डॉक्टर साहब हमने सोचा है कि हम भी अपनी बेटी को डॉक्टर निधि की तरह डॉक्टर ही बनाएंगे। गुड, अच्छी बात। लीजिए। चलिए डॉक्टर साहब चलते हैं। शुक्रिया। सब आपके पैसे। You think it's about the money? No, sir. It's about me. मतलब? मेरा मतलब है सर, मैं डॉक्टर बनने के काबिल ही नहीं। सर प्लीज डू मी दिस फेवर, जस्ट फायर मी। एक्सक्यूज मी। जी ये जो जैकेट है ये आपको फिट नहीं आ रहा है।
सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। कुछ तो है जरूर दिल मेरा कितना मजबूर, कुछ तो है जरूर दिल मेरा कितना मजबूर, जान के भी तू जाने ना। डॉक्टर निधि, स्टैंड अप प्लीज। डॉक्टर वर्मा, शायद आपको पता होगा कि मेरे कैबिन में कुछ नहीं करने के लिए भी मेरी परमिशन की जरूरत होती है। ठीक है, मैं चेक करके आपको ये हम डॉक्टर आशुतोष। I'll get back to you. Dr. Ashutosh, sir, इस लेटर पे साइन करना था। क्या है ये? डॉक्टर निधि की रेजिग्नेशन लेटर। So, डॉक्टर निधि वर्मा, क्या फैसला किया आपने? सर, मैंने फैसला किया है कि मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहना चाहती। वर्मा, ये गेम भी मैं जीत गया। आई वन द मैच। अंजी बेटा, मैंने तुम्हारी इज्जत बचा ली। आई वन द मैच। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? खुशी के आंसू है। ओके ओके, खुशी के आंसू वर्मा। आई वन द गेम। नाउ शर्त के मुताबिक मैं जो तुझे कहूंगा करना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ, जले पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। बोल क्या करना है। आई वन द मैच, आई एम द चैंपियन। इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हाई ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल कीजिए। What control? I'm the champion. I won the match. अब तो समोसे, जिलेबी, सब कुछ खाऊंगा मैं। और अरे अरे, क्या हुआ आपको? अंकल क्या हुआ? अंकल क्या हुआ? सोलंकी, सोलंकी क्या हुआ यार? यार पसीना छूट रहा है। And I'm feeling very weak. नीति, आई थिंक जीत की खुशी में इतने एक्साइटेड होगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। आपने लास्ट टाइम कोलेस्ट्रॉल कब चेक करवाया था? करवाया ही नहीं, करवाने दे तब ना। अंकल ये क्या बात हुई? आज से आपका खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना सब कुछ मेरी निगरानी में होगा। ओके? नो 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 नो, नेवर, आई एम ऑल राइट। आप चुप रहिए निधि, जो तू ठीक समझे ना वैसा ही कर। जी अंजी, मेरा फोन लिखिए। ये सब क्या हो रहा है? आई एम ऑल राइट। सोलंकी, यू कीप क्वाइट। डॉक्टर कौन है यहाँ? लेट हर डू अ जॉब। जाने के लाल हनुमान, ये आज मेरे संकट हरो, संकट हरो मेरे दुखड़े हरो, संकट हरो मेरे। कर रहा है ये? क्या कर रहा है तू? सफाई। अरे सफाई घर की कर रहा है कि मेरी कर रहा है? मनु, जी डॉक्टर निधि हैं? जी वो तो नहीं है अभी घर पे। लो, इतनी मुश्किल से अस्पताल से छुटकारा मिला था कि अब मरीज घर पे भी आने लगे। अरे मैं कहती हूँ कि शहर में और कोई डॉक्टर नहीं बचा क्या? जी हम उनसे इलाज करवाने नहीं आए, बल्कि उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं।
उन्हीं ने ही तो मेरी बीवी और बच्ची की जान बचाई है। मेरी बच्ची के हाथ में बड़ी शफा है, मजाल है कि कोई मरीज बिना ठीक हुए घर चला जाए। आओ आ अंदर आ जाओ। हेलो दादी बुआ, मेरी बीबी चेक करने की मशीन और स्टेथोस्कोप छोटे सरकार के हाथ में, जल्दी से अंजी घर भेज दो। क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप भेजो ना। वो लेके जाओ वहां पे स्टेटस आला। हाँ हाँ हाँ, और साथ में ब्लड प्रेशर की मशीन भी। कहाँ? अरे अंजी की यहाँ पे। रीडिंग कह रही है कि ये मशीन सिर्फ एक आदमी के लिए, बाकी सारे प्लीज उतर जाएं। उतरिए प्लीज, मर गई है। अंजी लेके जा। अंकल, आंटी, आपने ऐसा कैसे होने दिया? बेटा, खाने पीने के मामले में मेरी सुनते ही कहाँ है? एक तुम्हारे बाबा हैं, सो फिट। सुना सोलंकी, चुप। ओके ओके, अब से अंकल को लंच और डिनर में एक कटोरी दाल का पानी, 50 ग्राम उबली हुई सब्जी और एक होल ग्रेन फुलका। बेटे, पर ये खाने के पहले ही है, खाने के बाद है? यही आपका खाना है अंकल। What? और इतनी सारी बिरयानी बनाई है श्यामा ने, उसका क्या? उसके लिए हम है ना, क्यों भाभी? हाँ जी बिल्कुल। ब्रेकफास्ट में पराठे वगैरह तो खा सकता हूँ ना? जी नहीं, ओनली फ्रूट्स और स्किम मिल्क की बनी हुई चाय, दो टोस्ट बिना बटर के और 2 मिलीमीटर से भी मोटे नहीं होने चाहिए रोस्ट। टोस्ट जितने पतले होंगे अंकल भी उतने पतले होंगे। अंकल 2 मिलीमीटर दिस मच। बीबी जी, दादी बुआ ने भेजा। थैंक यू सो मच छोटे सरकार। और घर पर आपसे मिलने के लिए कोई आए हैं? बस चेकअप कर लूं फिर चलते हैं। मेरे फेवरेट पेशेंट्स, कैसे हैं? हाउ इज इट गोइंग डॉक्टर अजय? फाइन सर। गुड गुड गुड। जानकी, क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? डॉक्टर निधि नहीं है ना? डॉक्टर आशुतोष। वेल डॉक्टर अजय, very good, keep it up. All right? Thank you, sir. Sir, एक problem है, मुझे लगता है कि अगर children's ward के अंदर बच्चे चुपचाप रहेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। Really? Interesting. अरे हराम जी, नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको डिस्चार्ज मिल गया? हाँ जी, हाँ जी। ओह बेबी, मैं खाने पानी का बंदोबस्त करती हूँ। जी जी। ओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरे पास आ जा। ये आप क्या कर रहे हैं? अनपढ़ हूँ ना, इसलिए बोल के शुक्रिया अदा करना नहीं आता मुझे। नहीं, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी। बड़ी बहन की तरफ से भेंट समझ कर ले लीजिए। देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स को समझती हूँ, पर मैं ये नहीं ले सकती, प्लीज। एक बार आप मेरी निधि के सर पर हाथ रख दीजिए। जी निधि जी, हमने भी अपनी बच्ची का नाम निधि ही रखा है आपके नाम पर। हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी भी बड़ी होकर डॉक्टर बने और आप ही की तरह लोगों का इलाज करे, इसीलिए हम आपके पास आए हैं उसे आपसे आशीर्वाद दिलाने के लिए। मैं भगवान से आपके लिए दुआ करूंगी
कि आपकी हर मुराद पूरी हो, आपको बहुत प्यार करने वाला पति मिले। Just